नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधी कढ़ाई की, जो कि है गुजरात की। इसे कच्ची कढ़ाई भी कहा जाता है और इंटरलेसिंग एम्ब्रॉयडरी भी। ओरिजिन की बात करें तो कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में सिंध के एक मुस्लिम फकीर, सूफी संत जिसे बोलते हैं, उसने मोचियों को चमड़े पर एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया था। और कब ये जादू चमड़े से कपड़े में उतर गया पता ही नहीं चला। ऐसा भी कहा जाता है कि कच्छ के जो शिल्पकार थे, उन्होंने चोरी से ये जो आर्ट है सिंधी कारीगरों से सीखी थी। जब उन्हें कच्छ के राजा ने बुलाया था अपने यहाँ अपने कपड़ों पे ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, तो जो कच्छ के जो शिल्पकार थे, उन्होंने चुपके से सिंधी कारीगरों से उन्हें देख देख के ये सीख ली थी कढ़ाई। बेसिकली ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो सिंध में, कच्छ और काठियावाड़ में की जाती है। कलर्स की बात करें तो जैसा आप देख ही रहे हैं, बहुत ही चटक रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी। मोटिव्स क्रिस क्रॉस, और इसमें 5 बॉक्सेस बनते हैं और फिर उसमें लूप से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, मतलब इंटरलेसिंग से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। प्रोसेस जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें लॉन्ग एयरिंग बोन स्टिच आती है पहले सिंगल, और फिर उसके ऊपर इंटरलेसिंग की जाती है, और वो इंटरलेसिंग करके नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाता है फिर। तो इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है, पहले हेरिंग बोन स्टिच बनाई जाती है और फिर उसमें धागे से इंटरलेस किया जाता है। मोटिव्स जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें पेजलीज और फीमेल्स और एनिमल्स और फ्लावर्स और ट्राइंगल और ज्योमेट्रिकल शेप्स ज़्यादा बनाई जाती है। कलर्स है ही बहुत चटक और ब्राइट। स्टिचेज इसकी एयरिंग बोन और इंटरवोवन पैटर्न होता है इसमें, समटाइम्स मिरर भी लगता है इसमें। तो ये है सिंधी कढ़ाई। मटेरियल की बात करें तो इसमें रेशम के या कॉटन के धागे या कच्चा रेशम, किसी भी धागे से एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है इसमें, और इसमें लगता है मिरर्स। मिरर्स के अलावा इस मिरर नीडल और फ्रेम, और कपड़े की बात करें तो यूजली कॉटन के कपड़े पे की जाती है। और अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनली ये जो है ब्लैक या मरून कलर के खद्दर के कपड़े पर की जाती थी। तो इस तरह से ये जो एम्ब्रॉयडरी है चटक रंगों के साथ, और एक ये ही जो पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर डिज़ाइन, ये तो मतलब मैंडेटरी है सिंधी कढ़ाई में। ये जो स्क्वायर वाला रहता है, ये वाला पैटर्न, ये तो मैंडेटरी है कि होगा ही होगा। इसके अलावा मिरर्स हैं, पेजलीज हैं, एनिमल्स हैं, चेन स्टिच से कुछ भी छोटा मोटा डिज़ाइन और बना दिया वो कॉम्प्लीमेंट्री है। पर बेसिकली डिज़ाइन जो होता है वो इसी पैटर्न से, ये जो इंटरलेसिंग वाला है, 5 बॉक्सेस को जो इंटरलेस किया जाता है, बेसिकली ये ही है डिज़ाइन। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें कितना सुंदर इंट्रिकेट, ये है कच्छ एम्ब्रॉयडरी। इसके अंदर टॉप से थोड़ा सा नीचे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधी कढ़ाई की गई, ये टोटल सिंधी कढ़ाई का ही टॉप है। ब्यूटीफुल, मतलब ट्रेडिशनल लगता है गुजरात का गरबा स्टाइल, घाघरा चोली बना दिया अगर तुम, इस एम्ब्रॉयडरी से पता चलता है कि हाँ, देयर समथिंग गुड। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे गुजरात में, कच्छ में और सिंध में लेडीज़ घाघरा चोली और ओढ़नी के लिए यूज़ करती थी। अब तो इसके डिज़ाइंस सूट्स के नेकलाइंस पे सबसे ज़्यादा दिखते हैं, और साड़ीज तो मतलब अमेजिंग। साड़ीज के बॉर्डर में अगर ये एम्ब्रॉयडरी कर दी जाए तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से और इंट्रिकेट, जितना बारीक जितना आप परफेक्ट हैं उस एम्ब्रॉयडरी में, उतना परफेक्ट इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाया जा सकता है इसका। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितना इंट्रिकेट पैटर्न्स हैं इसमें, और इसमें देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट कलर, मतलब चटक रंग जो हम बहुत लाइवली एनर्जी से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए। अरे मेरा नाम आ गया। तो इस तरह से ये है सिंधी कढ़ाई। तो आशा करती हूँ आपको ये सिंधी कढ़ाई, सिंधी टांके वाली कच्ची कढ़ाई आपको पसंद आई होगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और कल फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक और शानदार भारत की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के साथ। तब तक के लिए देखिए सिंधी कढ़ाई के ये ब्लाउजेज और सूट्स में डिज़ाइन, मतलब इतना सुंदर इंटरके डिज़ाइन। तो कल फिर मिलते हैं, शबा खैर।